और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है कि ईडी दफ्तर से राहुल गांधी बाहर निकल आए हैं। मैराथन पूछताछ के बाद राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर निकल आए हैं। आपसे कुछ सेकंड्स पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग कल से लेकर आज तक 19 घंटे की पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीष पांडे जुड़ गए हैं। मुनीष, सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी की तरफ से आग्रह किया गया था ईडी के अधिकारियों को कि आज ही देर तक बेशक पूछताछ कर लें लेकिन कल न बुलाएं, लेकिन उन्हें कहा गया कि कल भी उन्हें आना होगा। लगभग 19 घंटे की कल से लेकर आज तक पूछताछ हो चुकी है उनसे। जी बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन था राहुल गांधी से पूछताछ का और आज लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई है और थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी यहां से बाहर निकले हैं। पहले इस तरह की खबरें थी कि प्रियंका गांधी भी यहां पर आएंगी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ निकलेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी यहां पर नहीं पहुंची हैं और राहुल गांधी जब यहां पर साथ में निकले तो उनके साथ में उनकी वकील भी मौजूद थी। जो हमने ईडी के अधिकारियों से बातचीत की है उसके मुताबिक ईडी ऑफिसर्स का ये कहना है कि इस मामले में जो पूछताछ उनसे करनी थी, जिन सवालों के जवाब वो राहुल गांधी से लेना चाह रहे थे, उन सवालों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। और उसके पीछे की वजह यह है कि जब भी राहुल गांधी से कोई सवाल किया जाता है तो उसके जवाब लगभग बराबर ही होते हैं। यानी कि अगर उनसे कोई सवाल किया गया एजेएल को लेकर या फिर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, तो वो जवाब जो दे रहे हैं वो बहुत नौपा तुला देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके वकीलों ने उनको जवाब सिखाकर पहले से ही भेजा हुआ है, ऐसा ईडी अधिकारियों का कहना है, उनका आरोप यह है। लेकिन कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी की बात करें तो दो दिन में 19 घंटे की पूछताछ हुई है और राहुल गांधी को जाने के पहले ये बोल दिया गया है कि उनको कल फिर से आना पड़ेगा। सूत्रों का यह कहना है कि आग्रह जरूर किया गया था राहुल गांधी की तरफ से कि उन्हें कल न बुलाया जाए।